स्वागत है आपको आपके ही चैनल द क्रोशियल अवर्स पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से देखकर बना सकते हैं। आज मैं जो बना रही हूँ क्रोशिये से मास्क बना रही हूँ। आप इसे देखिए और आसानी से सीखिए। इसको बनाने के लिए ये मुझे ऊन चाहिए। मैंने ये वाइट कलर के ऊन लिए हैं और ये ऊन वाली क्रोशिया ली है। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले 15 चैन लेने पड़ेंगे। तो ये मैंने 15 चैन लेकर मैं आपको दिखा रही हूँ और एक चैन एडवांस में ले लूंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 चैन लेने के बाद एक चैन हमने कहा एडवांस में, और सभी 15 चैन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये हमारा पहला रो है। पहला रो बनाने के बाद दूसरा रो भी हमारा इसी तरह सिंगल क्रोशिया में चलेगा। ये देखिए तो किस तरह से सिंगल क्रोशिया बनता है। ये देखिए बिना फंदा लिए हुए मैं चेन में डालूंगी क्रोशिया को और दो का एक बना करके निकालूंगी। ये देखिए इस तरह लेकर के दो दो का एक बन गया। इस तरह मैं पूरा ये चेन आपको बना करके दिखाती हूँ। आप ध्यान से बने रहे हमारे साथ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आसानी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पास में ही बेल आइकन है उसे आप सर्च कर, उसे भी आप एक बार जरूर दबा दे, टच कर दे, ताकि हर नया वीडियो आपके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चली जाएगा। और देखते ही लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हमारा ये फर्स्ट रो समाप्त हो गया। अब दूसरा रो के लिए भी मुझे सेम इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने कपड़े से बनाई हुई हूँ। ये देखिए एक चेन दे दूंगी। एक चेन देने के बाद इसे पलट कर फिर सेम इस तरीके से मुझे ये दूसरा रो भी बना के दिखा देना है। ये देखिए ये हमारा दो राउंड हो चुका। तीसरे राउंड में मुझे मास्क का शेप देना है। तो इसको पलटी करने के लिए मैंने एक चेन दे देना है और इसे पलट देना है। पलटने के बाद इसका आधा करना है मुझे। ये देखिए जैसे मैंने 15 दिए तो 7.5, 7.5 यानी 7 निकालना है। तो 1, 2 7 हमारा बन गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक और बनाना है मुझे। 7 हो गया। 7 के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया हमारा बना हुआ है उसमें मैं 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए 1, 2, 3 ये 3 बन गया। और फिर मेरे पास ये 7 बच जाएंगे। तो इसमें हर चैन में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया यहां तक बना। यस अब जो हमारा यहां बन गया तो फिर मैं एक चेन देकर इसे पलटी की हूं। पलटी करने के बाद ये हमारा पूरा ऐसे पूरा सिंगल क्रोशिया बनता चला जाएगा। सबके ऊपर सभी चेन के ऊपर मैं केवल सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल सादा सा सिंगल क्रोशिया ऐसे बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा ये राउंड भी खत्म हो गया। अब तीसरा राउंड के लिए मुझे फिर से सेम एक में ये पूरा मैं सिंगल क्रोशिया ही बनाऊंगी। लेकिन जहां मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे एक चेन में वहां फिर से मुझे 3 बनाने पड़ेंगे। इसी तरह ये फ्रंट में 3 बन जाएंगे इसमें, फिर बैक में पूरा सिंगल क्रोशिया, फिर फ्रंट में 3, इस तरह क्रम हमारा चलता रहेगा। ये देखिए यहां मैंने 3 बनाए थे तो सीधे यहां भी मेरा इसके फंदे में 3 बन जाएंगे। इस तरह करके हमारे फंदे कुछ बढ़ते चले जाएंगे। ये बन गया। लेकिन इसमें 3 बार बनाने पड़ेंगे। 1, 2, 3 ये पूरा इस तरह से बन जाएगा। बनने के बाद सेम फिर पूरा सिंगल क्रोशिया हमारा हर चेन के ऊपर बन जाएगा। और फिर जब इधर से बैक होंगी तो पूरा सिंपल सा बन जाएगा सिंगल क्रोशिया। फिर ऐसे एक छोड़ के इस तरह से मुझे 3-3 बार बनाने पड़ेंगे। तो ये मुझे कम से कम जैसे देख लीजिए आप ये 12 बनाने पड़ेंगे इस तरह से। हर चेन हर रो को मुझे 12 बार बनाने पड़ेंगे।
टोटल 12 बार होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये मुझे इस तरह 12 राउंड बनाने हैं मुझे इस तरह। ये जब हमारा 12 राउंड बन जाएगा तो कुछ इस तरह से लगेगा। ये देखिए, ये मैं बना के रखी हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा 12 राउंड है। ये मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बिल्कुल सिंपल छोड़े थे, उसके बाद 3 बढ़ाई, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 दोबारा 12 हो गया। उसके बाद मुझे ये 12 बनाने के बाद पूरा सिंपल ही मुझे 12 ऐसी बना देना है। 3 जो मैं बीच में बढ़ाई हुई हूँ ना सिंगल क्रोशिया, एक चैन में 3 बार, वो नहीं 12 ही स्टेप बनाने के बाद यहाँ से मुझे 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 लाइन मुझे ऐसे ही टोटल 21 हो जाएगा। यहाँ पूरा गिनने के बाद ये 21 फंदे हो गए, तो उतने मुझे बनाने हैं, उतने बन जाएंगे। फिर जाकर के जिस तरह ये मैंने बढ़ाए हैं यहाँ, ये देखिए जिस तरह मैंने यहाँ बढ़ाए, तो ये 3 का 1, 3 का 1 करके घट जाएगा। तो अभी जो हमारा समय आ रहा है वो 3 का 1, 3 का 1 घट के दिखाने का ही आ रहा है, तो वो मैं बता रही हूँ आपको अभी जस्ट। ये जो हमारा 22 है, ये पूरे फंदे हमारा 22 है, या 24 हो जाए या 26 हो जाए, ये यहाँ जिस तरह से आप फंदे रखिएगा उसी हिसाब से 3-3 बढ़ाइएगा 6 स्टेप में, यानी कि 12 स्टेप में, तो यहाँ मेरे ख्याल से 26 हो जाएगा। ये बड़े का बन रहा है, छोटे बच्चों में कम से कम 22 रखना है। तो ये देखिए मैंने इसके क्या किए, सेम इसका जो सेंटर है, ये इसका सेंटर बीच का है, मैंने वहाँ निकाल दिए। निकालने के बाद अब इसको घटाना है ऐसे, अब आपको इसका ऐसे करके एक बना देना है, सेम उसी तरह का जैसे यहाँ बना है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जिस तरह मैंने यहाँ बढ़ाया उसी हिसाब से इसका सेंटर निकाल के यहाँ से 3 का 1 कर दी हूँ मैं। और ये घटाना और बढ़ाना मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और इसमें भी मैंने बताया है। तो ये हमारा यहाँ 15 से स्टार्ट की हूँ, और यहाँ घटा के मुझे 15 कर लेना है। उसके बाद 2 लाइन इसमें 15 बनाने, जिसमें एक लाइन मैंने बना चुके हैं और ये मेरा दूसरा लाइन है बस। उसके बाद मुझे इसमें ये देखिए, ये मास्क हमारा पूरा हो चुका है। अब मैं इसमें 45 चेन दे करके और इसमें एक डोरी बना दूंगी। आप चाहे तो डोरी को भर भी सकते हैं, लेकिन मैं केवल चेन दे करके आपको बताऊंगी। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमारा बन गया। ये अपने कान के अकॉर्डिंग कितनी लंबाई है, कितने क्या है, तो उस हिसाब से ये यहाँ पड़ेगा चेन, और आप इसे इसमें एक अटैच कर दीजिए। तो ये हमारा चेन भी पूरा हो गया। ये देखिए, एक बार और इसे करके सिंगल क्रोशिया में निकाल देते हैं। तो ये हमारा एक साइड का बन गया। आप इसे दूसरे साइड से भी इस तरह बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह का बन गया। तो मैं दूसरे साइड का भी करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा मास्क बनकर तैयार हो गया। तो आप ये जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको आज का हमारा मास्क कैसा लगा। मैं बिल्कुल आपके सामने बनाई हूँ, और मैंने इसमें घटाना बढ़ाना सब कुछ सिखाया है। ये देखिए मास्क। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, कुछ आसान वीडियो लेकर के आ रही हूँ। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। थैंक यू।